गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। एक बड़े भारी भक्त थे, उनके यहाँ भक्त लोग आया करते थे, सदा भीड़ लगी रहती थी। 50-50, 100-100 भक्त कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ऐसी जगह भगवान ज़रूर आते हैं और सेवा करने आते हैं। त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान एक मजदूर का रूप, फटी सी एक फितूरी है, पाँव में जूता नहीं है, बहुत गरीब रूप बना कर गए कि नौकरी ढूंढनी, हमको कोई नौकर रख ले। त्रिलोचन जी को ज़रूरत भी थी, क्योंकि 100-100, 50-50 की टोल आ जाए भक्त लोग और उनको भोजन बनाना खिलाना। त्रिलोचन जी मजदूर रूप ठाकुर जी के पास गए और बोले, अरे भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम तो बड़े सुंदर, सरल और आकर्षक हो, तुम्हें देखकर तो एकाएक मुझे अपने ठाकुर जी का स्मरण होता है। ठाकुर जी हंस गए, समझ गए कि अब हमारा भक्त आ गया। तो भाई तेरी तनख्वाह क्या है, क्या लेगा तू? मजदूर रूप ठाकुर जी, देखो जी एक भी पैसा नहीं लूँगा, तो नौकरी काय बात की? मजदूर रूप ठाकुर जी कहते हैं, मैं खाऊं ज़्यादा या मारे मोए कोई नौकरी ना ही रखे। त्रिलोचन जी बोले, भैया कितना खावे? मजदूर रूप ठाकुर जी ने कहा, 5 किलो। त्रिलोचन जी बोलते हैं, अच्छा भैया खावे की कमी तो है ना है, और कोई तेरी ठहर कोई शर्त? मजदूर रूप ठाकुर जी, हमारी कोई निंदा ना करे तब तक हम नौकरी करते हैं, जा दिन कोई निंदा करेगो हम छोड़ के चले जाएंगे। त्रिलोचन जी, अच्छा भाई। मजदूर रूप ठाकुर जी कहते हैं, भक्तन की सेवा मैं करूँ या ही मारे मैं तेरे दरवाजे आया हूँ। त्रिलोचन जी ने मन में सोचा, अरे ये तो कोई भगत मालूम पड़े। त्रिलोचन जी कहते हैं, तेरा नाम क्या है? मजदूर ठाकुर जी कहते हैं, मेरा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी, अच्छा अंतर्यामी नाम तो बड़े जोर को रखो है, तो एक बात बताए सेवा कैसी कर सकेगो? मजदूर ठाकुर जी कहते हैं, सुनो सेवा करने में मैं बड़ा चतुर सेवक, मैं पुराना सेवा ही की मैंने अब तक सेवा धर्म ही जाना, कोई एक बार अजमा ले भक्तों की सेवा करवा ले, कोई नौकरी में रख ले भक्तों की सेवा करवा ले, मैं तो दास पुराना दासों का। साहब हमने तो बता दियो हम सब काम जाने, लेकिन खावे ज़्यादा सो कोई नौकरी ना ही रखे, रखऊ ले तो बुराई करे सो हम भाग जाऊँ वहाँ से, कोई सेवा कैसी भी करवा ले भक्तों की सेवा करवा ले, कोई नौकरी में रख ले भक्तों की सेवा करवा ले, मैं तो दास पुराना दासों का। त्रिलोचन जी कहते हैं, अरे भाई तेरे में तो बड़े गुण हैं, तू तो बड़े काम को आदमी है, हमने तो ये रख लियो। अब ठाकुर जी अंतर्यामी सेवा करने लग गए और कोई जान नहीं पाया। 100-100 साधु आ जाएं प्रसाद पाके, जब सोवें तो उतने ही रूप धर के सवन के जाएं पांव दबाएं। हर साधु सोचे, हमारे पास है अंतर्यामी, बड़ी सेवा करी और 13 महीने तक सेवा करते रहे। एक दिन त्रिलोचन भक्त की स्त्री गई पानी भरवे कुएं पे, तो वहाँ और गांव के पनिहारन मिली, परस्पर में बातें करने लगी। पनिहारन, अरे वीर तेरे तो यहाँ बड़ो अच्छो सेवक आ गए है, अंतर्यामी सब काम कर दे। त्रिलोचन की स्त्री, हाँ सब काम कर दे, ढेर के ढेर बर्तन मांजे ले, लकड़ी फाड़ दे पानी भर दे, जहाँ जाओ कोई काम बाकी ना रहे, काम करने की कहो और काम पूरा तैयार, लेकिन एक बात है खावे बहुत, 5 किलो भोजन पूरा खा जाए। उधर बुराई करी और उधर अंतर्यामी गायब। अब गायब हो गए तो वहाँ सब काम फैला रहा। त्रिलोचन जी बोले, अरे अंतर्यामी, ओ अरे अंतर्यामी, और दिन तो बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, पहले ही हासिल हो जाते थे, आज चिल्ला रहे हैं अंतर्यामी अंतर्यामी, अरे अंतर्यामी, कोई नहीं आ रहा। त्रिलोचन जी समझ गए कि कोई ना कोई किसी ने बुराई की है। उतने में उनकी स्त्री आई पानी भर के, उससे पूछा कि तैने कोई बुराई की अंतर्यामी की? पहले कुछ नहीं बोली, चुप रही, बाद में कहा, हाँ अंतर्यामी की निंदा की थी पनिहारिन से कि बहुत खावे। त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, अरे तैने अंतर्यामी को गायब कर दियो। अंतर्यामी के वियोग में पागल होके वे चारों ओर घूमने लग गए और पुकारने लगे,
अंतर्यामी अंतर्यामी, कहाँ गया अंतर्यामी? मेरे प्राणों अंतर्यामी, मेरी देह अंतर्यामी, मेरी मैया अंतर्यामी, मेरे बाबा अंतर्यामी। सारा दिन बीत गया पागल की तरह, रात बीत गई अंतर्यामी अंतर्यामी चिल्लाते चिल्लाते। न खाना खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, स्त्री भी चुप, क्या करे, पति पागल हो गया। दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, अंतर्यामी कहाँ है अंतर्यामी? तब आकाशवाणी हुई, बड़ी मीठी आकाशवाणी आई। अरे त्रिलोचन जी, त्रिलोचन जी के ऊपर दृष्टि गई, है तो कोई नहीं लेकिन आवाज़ आ रही है। बोले कौन है भैया? आकाशवाणी, मैं हूँ तुम्हारा इष्ट, मैं तुम्हारे घर में सेवा करने के लिए आया था। देखो हमारी तुम्हारी ठहरी थी कि जब निंदा होगी तब हम वहाँ से चले जाएंगे, अब तुम भोजन करो हमारी आज्ञा मान के, तुम कहो तो फिर से तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। बोलो क्या चाहते हो? अब त्रिलोचन जी चुप, त्रिलोचन जी हाय हाय करते हुए अंतर्नाद करके पछाड़ खाकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े और रो रो के कहने लगे, प्रभु ये मुझसे कैसा भीषण अपराध हुआ। तो हम सबके लिए शिक्षा है कि भगवान भक्तों की सेवा के लिए सब सेवा करने को तैयार है, हम भक्त तो बने। और दूसरी शिक्षा है कि हम किसी की बुराई ना करें, क्योंकि जब निंदा करते हैं हम किसी की तो भगवान हमारे जीवन से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राधे राधे भगवान जी।